जब जब टीवी रियलिटी सीरियल सपने सुहाने लड़कपन के का नाम लिया जाएगा, तब तब अभिनेत्री महिमा मकवाना का नाम भी सबकी जुबान पर आएगा, जिन्होंने शो के अंदर रचना कबीर त्रिपाठी का किरदार निभाया था, जो कि एक छोटे शहर बनारस की शर्मीली और इंट्रोवर्ट टाइप की सिंपल लड़की थी और जो अपने पिता से बहुत डरती है और हमेशा ये सोचकर परेशान रहती है कि अगर वो परीक्षा में फेल हो जाएगी तो उसके पापा उसकी शादी करा देंगे। और इसी किरदार को अच्छे से निभाकर एक्ट्रेस अपने इस किरदार के साथ टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस बन गई थी। लेकिन दोस्तों, आप यूं तो इस टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस के बारे में सब जानते हैं, पर आपको बता दें कि आप इनके बारे में जानकर भी कुछ नहीं जानते हैं। आप लोग अब भी इनकी ऐसी बातों से अनजान हैं जो इनकी रियलिटी बताती है कि ये रियल लाइफ में कैसी है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इनके बारे में उन्हीं बातों को बताकर रियलिटी ऑफ महिमा मकवाना से रूबरू कराने वाले हैं। पर उससे पहले आप इस अभिनेत्री के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सपने सुहाने लड़कपन के शो में रचना कबीर त्रिपाठी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री महिमा मकवाना का जन्म 5 अगस्त 1999 को मुंबई में कंस्ट्रक्शन वर्कर पिता, जिनकी कोई तस्वीर नहीं है, और हाउसवाइफ मम्मी के घर पर हुआ था। इनके इस फैमिली में इनका एक भाई भी है, चेतन मकवाना, जो पेशे से इंजीनियर है। पर आपको बता दें कि इनके पिता आज इनके साथ नहीं है। जब ये 5 साल की थी तो उनका निधन हो गया था, जिसके बाद इन्हें इनके बड़े भाई और इनकी माँ ने पाला, जो आज इनकी मैनेजर के रूप में इनके काम को मैनेज करती हैं। अगर बात करें इनके एजुकेशन की तो आपको बता दें कि इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के एक प्राइवेट स्कूल से की और बाद में ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स में मास मीडिया में बैचलर डिग्री हासिल की थी। अगर बात करें इनके स्ट्रगलिंग करियर की तो आपको बता दें कि भले ही इन्होंने मास मीडिया की डिग्री हासिल की, पर इन्हें हमेशा से ही अभिनय में दिलचस्पी रही है। इन्होंने उसी दिलचस्पी के कारण अपनी पढ़ाई के साथ 10 साल की उम्र में अभिनय के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया था, जिसके बाद ये कुछ विज्ञापन में दिखाई दी थी और छोटी सी उम्र में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इन्हें बहुत सारा बलिदान करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से कई सालों तक मुंबई में ही स्ट्रगल करने के बाद इन्हें इनका टेलीविजन डेब्यू शो मिला, जो कलर्स टीवी का मोहे रंग दे था, जिसमें इन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाकर लोगों से खूब तारीफें हासिल की थी। इनके इसी एक्टिंग को देखकर बालिका वधू के निर्माता ने इन्हें मुख्य अभिनेत्री के तौर पर काम करने के लिए ऑफर किया, जिसे स्वीकार कर इन्होंने साल 2009 में बालिका वधू में गौरी का मुख्य किरदार निभाया था, जिसकी वजह से ये घर घर में जानी जाने लगी। इनकी इसी लोकप्रियता को देखकर इन्हें इसके बाद बहुत सारे निर्माता और निर्देशक ने अपने शो में काम करने का ऑफर दिया और उन सभी ऑफर को स्वीकार कर ये सीआईडी, आहट, मिले जब, हम तुम और झांसी की रानी जैसे कई सीरियल में अभिनेत्री के तौर पर मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आए। टीवी शो में इनके इसी अच्छे प्रदर्शन और इनकी पॉपुलैरिटी को देखकर इन्हें कई तेलुगु फिल्मों और वेब सीरीज में भी काम करने का मौका मिला। इसी तरह इन्होंने कई फिल्मों में काम किया और जल्द ही ये एक नई फिल्म में भी काम करने वाली है। वहीं अगर इनकी वेब सीरीज की बात की जाए तो ये वेब सीरीज शो मोटापा में काम करती हुई नजर आई थी। इनकी आने वाली वेब सीरीज रंगबाज सीजन 2 है। ये तो थी इनकी प्रोफेशनल लाइफ। अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो आपको बता दें कि महिमा मकवाना अब किसी के साथ डेट कर रही हैं। इनका बॉयफ्रेंड कौन है तो हम आपको बता दें कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ये फिलहाल सिंगल हैं। अभी तो ये किसी को डेट नहीं कर रही, लेकिन स्लैब्स कपल के मुताबिक ये पहले किसी को डेट कर रही थी, जिसका नाम अंकित सिवच है, जो जाने माने अभिनेता है और इनके साथ ये शो रिश्तों का चक्रव्यूह में काम भी कर चुके हैं। उसी शो के सेट पर से खबरें आई थी कि ये उनके साथ लव रिलेशन में है और दोनों के साथ वाली कुछ फोटोज भी सामने आई थी, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जिसकी वजह से इन दोनों का रिलेशनशिप चर्चा में था। पर बाद में इन्होंने उनके साथ अपने लव रिलेशन को र्यूमर ठहरा दिया, जिसके बाद से ये सिंगल है और अपनी माँ के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही है। तो दोस्तों, आपको महिमा मकवाना की जिंदगी से जुड़ी इन सभी सच्चाई के बारे में जानकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।